बलरामपुर में एक घर में हुआ विस्फोट और पुलिस मामले की जांच से जुटी है। थाना हैरान हरैया के गुगौल कला गांव का मामला। सेक्टर 78 में अवैध निर्माण पर चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर। लोगों और बिल्डर के कर्मचारियों की नोएडा प्राधिकरण की टीम के साथ नोकझोंक और धक्का-मुक्की। लक्सर में नदी पथरी रोह उफान पर लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। गांव में पुलिस ने अलर्ट किया जारी। पुलिस ने लोगों को पथरी रोह के आसपास न जाने की हिदायत दी। नोएडा में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से 200 करोड़ की एफडी से 3 करोड़ 90 लाख निकाले। मऊ में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के कैश बाइक और तमंचा बरामद। पीलीभीत में चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन के गुट हुए आमने सामने। भीड़ ने जमकर किया हंगामा। थाना बड़खेड़ा के थाना परिसर का मामला। नोएडा में चंद मिनटों की बारिश में खुली नोएडा प्राधिकरण की पोल। मुख्य सड़कों पर 3 फीट तक भरा पानी। पब्लिक शौचालय तक हुए जलमग्न। कुशीनगर में आरोपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के काफिले पर हमला। अरविंद की कार पर पथराव और आग लगाने की कोशिश की गई। सुभाषपा ने प्रशासन पर उठाए सवाल। उन्नाव में युवक के ने किशोर का किया अपहरण और किशोरी का अपहरण किया गया। पुलिस ने किशोरी के सकुशल किया बरामद और युवक ने किशोरी के साथ शादी करने के लिए रची थी साजिश। रायबरेली के सत्यम हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। गलत इलाज के बाद नवजात के हाथ में फैला इंफेक्शन। काटना पड़ा हाथ। परिजनों की शिकायत पर डीएम ने दिए जांच के आदेश। औरैया में चौला ने साइकिल सवार बिजली कर्मी को रौंदा और मृतक संविदा कर्मी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नरोत्तमपुर मोड़ का मामला। फिरोजाबाद में बीती रात हाईवे के लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दो साथी पुलिस को चकमा देकर भाग गए। पकड़े गए आरोपी से असलाह कारतूस और बाइक बरामद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों का किया स्वागत और कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल सहित भाजपा के कई नेता रहे मौजूद। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान डीएम ने भंडारे की शुरुआत की और कांवड़ियों को भंडारे में प्रसाद के रूप में खाना बांटा। कांवड़ पट्टी में कांवड़ियों से मुलाकात भी की। लक्सर में 3 दिन से हो रही बारिश से बड़ा जलस्तर। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। लोगों के व्यवसायों में पड़ा प्रभाव। लखनऊ में अवैध झोपड़ पट्टी पर चला निगम का बुलडोजर। नगर निगम का बुलडोजर चला है और नगर निगम की कार्यवाही से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। हजरतगंज थाना क्षेत्र के बहुखंडी का मामला। सोनभद्र में यात्रियों से भरी डबल डेकर प्राइवेट बस और डीसीएम में टक्कर। बस में सवार 12 यात्रियों को आई मामूली चोट। वाराणसी से एमपी जा रही थी बस। मऊ के बेलवा घाट पर नहाने गए शख्स की नदी में डूबने से मौत हो गई। गोताखोर और पुलिस की मदद से निकाला गया शव। शामली के कंधला कस्बे में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। बुलंदशहर पुलिस ने 24 जून की रात हुई हत्या के किया खुलासा और बुजुर्ग की हत्या के आरोप में बेटे को किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए न देने पर बेटे की निकी थी पिता की हत्या। जालौन में मां की हत्या के आरोप में बेटे को आजीवन कारावास की सजा मिली है। 15,000 रुपए का लगाया अर्थदंड और 4 साल पहले सिलबट्टे से कूच कर अपनी मां की हत्या कर दी थी। गोंडा में यूपी सिडको के अवर अभियंता और ठेकेदार के खिलाफ गंभीर धारा में केस दर्ज है। 15 साल की लागत से बन रहे मॉडल स्कूल के अतिरिक्त भवन की दीवार धंसने के बाद आक्षेप। मसूरी माल रोड पर हुए कार्यों की बरसात ने खोली पोल। माल रोड में जगह जगह जल भराव से लोगों को हो रही है दिक्कतें। अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की उठी मांग। बारिश के बावजूद भी तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। बारिश के में भीकर बीमार पड़ रहे हैं यात्री। डीडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बीमार यात्रियों को पहुंचा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र। चमोली के डीएम ने कर्णप्रयाग के सीमांत गांव में चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। घेस गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया डीएम का स्वागत।
हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में आस्था का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। शामली से आए तीन बेटे अपने बुजुर्ग माता पिता को कांवड़ में बिठाकर पैदल जाते हुए दिखाई दिए। सहारनपुर में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध देखने को मिला है। मौलाना कारी इसहाक गोरा बोले कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं जरूरत है, यहां अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ जिले में कार्यकर्ताओं की बैठक को किया संबोधित, कहा 7 अक्टूबर के बाद खोलेंगे अपने पत्ते, 2024 में किसके साथ जाएंगे। बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने कहा मायावती के साथ गठबंधन तय नहीं है, हमारी पहली प्राथमिकता मायावती अखिलेश सोनिया नीतीश और जयंत जी को एक मंच पर लाना। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बहती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर है लोग और बारिश में पुल टूटने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के दरभंगा में कमला नदी में गिरी बोलेरो और मौके पर मौजूद लोगों ने बोलेरो सवार लोगों को बचाया, सड़क गीली और फिसलने होने की वजह से यह हादसा हुआ। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले में भारी बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी, मंगलुरु के अध्यापति उद्योगपति ने भारी बारिश की वजह से बाढ़ का पानी घरों में घुसा। केरल के त्रिशूर जिले में भारी बारिश से हालात और बिगड़े और चिलाकुड़ी पेरुगुंथल डैम का जलस्तर बढ़ने से बांध के शटर खोले गए, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लखीमपुर खीरी में एक दुकान में बदमाशों ने चोरी करने का किया प्रयास, दुकान मालिक ने पकड़ा लुटेरों का तमंचा, मौके से फरार हुए बदमाश, पुलिस ने मामले की जांच की। अमरोहा में नहीं थम रहा है जानलेवा स्टंटबाजी का खेल, बाइक पर खड़े होकर युवक फिल्मी स्टाइल में कर रहा है स्टंट, वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। मुरादाबाद में पिलर लगाते समय गिरी दीवार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, थाना नागफनी इलाके के सड़क चौराहे का मामला। गोंडा में अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, भूमाफियाओं में मचा हड़कंप, साथी भूमाफियाओं पर लगाया जुर्माना। धारचूला में दारमा घाटी के चल गांव में फटा बादल, बादल फटने से पैदल पुल और ट्रॉली हुए ध्वस्त, गांव में कई लोग फंसे, पुल प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भी। धारचूला में भूस्खलन और जनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुए हैं, नया बस्ती के पास पहाड़ी दरकने से यातायात हुआ ठप, जाम में फंसी कई गाड़ियां। हल्द्वानी में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, चेरगोलिया के ताश के पत्ते की तरह बही कार, चेरगोलिया में शेर नाला उफान में आने से ये कार बही, बाल बाल बचे कार सवार की जान। बिजनौर में बारिश से गंगा का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने पानी का फ्लो कम करने के लिए लगाई जेसीबी मशीन, थाना बढ़ापुर नट्टा नदी का मामला। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से मकान की गिरी दीवार, दीवार के मलबे में दबी मासूम की जान, मासूम की बच्ची, मलबे में दबने से बच्ची ने तोड़ा दम। लखीमपुर खीरी में कटान से नदी में हुआ घर गिर गया, शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी गिरने से बसे गांवों में बाढ़, कटान का बाढ़ खतरा, दहशत में है लोग। लगातार हो रही बारिश से कोटद्वार के नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें बनी दरिया, दहशत में आसपास के लोग, प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। उधम सिंह नगर में लगातार बारिश से बढ़ा कल्याणी नदी का जलस्तर, दहशत में नदी के किनारे रहने वाले लोग, हालात पर प्रशासन की नजर। अल्मोड़ा में मॉनसून ने दी दस्तक, 2 दिनों की बारिश से जनजीवन प्रभावित, प्रशासन ने आपदा संभावित इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा। बुलंदशहर में पानी में फंसी डिबाई, सीओ और एसडीएम की गाड़ियां कांवड़ यात्रा के चलते रामघाट गंगा घाट का निरीक्षण करने आए अधिकारी। कानपुर के चकेरी इलाके में रामा देवी फ्लाईओवर पर हादसा, डीसीएम के टक्कर से बेकाबू होकर पलटी ट्रक, चपेट में आए बाइक सवार, 1 की मौत, 2 लोग घायल। कुशीनगर में ट्रक और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर, एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, ओवरटेकिंग के दौरान हुआ हादसा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।